नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। अमेरिका के राष्ट्रपति इन दिनों पूर्वी एशिया के दौरे पर हैं। उत्तर कोरिया से नाराज चल रहे अमेरिका के लिए यह दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे में न सिर्फ उत्तर कोरिया बल्कि कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उठ रहे हैं। ट्रंप जब चीन पहुंचे तो दोनों देशों के बीच बरकरार तल्खियों में कमी देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप भी नरम दिखे और शी जिनपिंग भी नरम दिखे। आपसे रिश्तों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक दोनों देशों के बीच विस्तार से बातचीत हुई। विशेष में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बताएंगे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश और अर्थव्यवस्था इन दिनों ये दोनों मुल्क हैं, इसके बीच कौन कौन से करार हुए और इन करारों के मायने क्या हैं, दोनों की मुलाकात से क्या बदलेगा और क्या सचमुच दोनों देश अतीत की कड़वाहट भुलाकर आने वाले दिनों में साथ आएंगे। हम ये भी बताएंगे कि क्यों अमेरिका के लिए अहम है चीन के साथ व्यापार बढ़ाना और इस दौरे का भारत के लिए क्या मायने हैं। आपको बताएंगे चीन और अमेरिका के बीच अब तक के रिश्तों का इतिहास भी। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्कों के राष्ट्रपति जब मिले तो कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने इस दौरान अपने सुर नरम रखे और कोशिश की कि अमेरिका और चीन के आपसी रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच कई करार पर हस्ताक्षर भी हुए। दक्षिण कोरिया के दौरे के बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे तो बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के सामने ट्रंप का भव्य स्वागत किया गया। महीने भर पहले कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में शी जिनपिंग के और ज्यादा शक्तिशाली होकर उभरने के बाद ये पहले विदेशी नेता का औपचारिक दौरा था। शी जिनपिंग ने ट्रंप की इस मौके पर ऐतिहासिक आवभगत की। जिनपिंग ने ट्रंप के लिए खास दावत का इंतजाम किया। इसके बाद दोनों मुल्कों के बीच कई अहम करार हुए। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका और चीन के संबंध इस वक्त ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुके हैं। दोनों मुल्कों ने कहा कि आपसी सहयोग के जरिए आर्थिक तरक्की को और मजबूत किया जा सकता है। चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका और चीन इस वक्त आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत साझेदार हो सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच 250 अरब डॉलर के 37 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें बोइंग विमान, ऑटोमोबाइल, सोयाबीन, प्राकृतिक गैस समेत ऊर्जा, संचार और स्टील समेत कई चीजें शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों देश और भी मजबूत साझेदार के तौर पर उभरेंगे। इस दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका और सबसे शक्तिशाली विकासशील देश चीन के बीच प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के सबसे बड़े मददगार बन सकते हैं। दोनों देशों ने माना कि चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के लिए बड़ा बाजार खुला हुआ है। चीन ने भरोसा दिलाया कि अमेरिका में चीन की कंपनियों का निवेश लगातार जारी रहेगा। इस मौके पर चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना में अमेरिकी कंपनियों के निवेश की सराहना की। शी जिनपिंग ने भरोसा दिलाया कि चीन अपना बाजार बंद नहीं करेगा, बल्कि दुनिया के मुल्कों के लिए निवेश के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। झगड़ा तो यूएसए के साथ है साउथ चाइना सी में, पर इन्होंने फिलीपींस के साथ, नॉर्थ वियतनाम के साथ उन्होंने अलग अलग से अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। अब वो क्या कहते हैं, साउथ कोरिया के साथ करने पर तुले हुए हैं। ये दो तीन चीज़ें हो जाएंगी तो इसके बाद कहेंगे कि देखिए यहाँ पर कोई तनाव नहीं है तो आप क्यों फिक्र करते हैं, आइए जो अपना व्यापार करना चाहते हैं कीजिए, थोड़ा बहुत हमें कंट्रोल रखना चाहिए, रखने दीजिए कि मिलिट्री व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट और जहाज़े जब आए हमें थोड़ा सा पहले से इतला दे दीजिए। इस वक्त चीन अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
वहीं चीन के लिए अमेरिका दूसरा बड़ा साझेदार। पिछले तीन दशकों में दोनों मुल्कों के बीच व्यापार ऐतिहासिक स्तर पर तेज हुआ है। 1979 में दोनों मुल्कों के बीच महज $2.5 अरब का व्यापार होता था, जो कि 2016 में बढ़कर $520 अरब पहुंच गया। बीते एक दशक से चीन में अमेरिका का निर्यात सालाना 11% की दर से बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन दोस्ती के सफर को और आगे बढ़ाएंगे। The United States is committed to protecting the intellectual property of our companies and providing a level playing field for our workers. At the same time, our relationship with you and China is a very important one to me and to all of the people of our country. And just by looking at the tremendous, incredible job-producing agreements just signed by those major companies, we're off to a very, very good start. शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को सफल और संतोषजनक बताया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक साझेदारी के लिए दोनों देश जोर लगा रहे हैं। इस क्षेत्र में चीन का दबदबा है और अमेरिका जानता है कि चीन को साथ लाए बगैर वो इतने बड़े बाजार का सही दोहन नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर विवाद के चलते चीन को अमेरिका का साथ चाहिए, इसलिए दोनों मुल्क दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने में जुटे हुए हैं और इसके लिए अमेरिका और चीन दोनों ने एक दूसरे को लेकर की गई तमाम टिप्पणियों को भुलाकर 37 करार किए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच साल भर से चल रही जुबानी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब पूर्वी एशियाई देशों के दौरे पर गए तो उन्हें हर जगह उन्होंने उत्तर कोरिया का मुद्दा उठाया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उन्होंने उत्तर कोरिया के मुद्दे पर बातचीत की, जिसे सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति जब मिले तो द्विपक्षीय करार के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्कों को अतीत के कड़वे अनुभव भुलाकर नई शुरुआत करनी चाहिए और उत्तर कोरिया के मुद्दे पर साझी सहमति बनाकर कदम बढ़ानी चाहिए। We agreed not to replicate failed approaches of the past, and there were many. We agreed on the need to fully implement all UN Security Council resolutions on North Korea and to increase economic pressure until North Korea abandons its reckless and dangerous path. बीते साल भर से उत्तर कोरिया ने जिस तरह परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को अंजाम दिया है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय जगत ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध तक लगा दिया। इस दौरान चीन ने भले ही संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया हो, लेकिन परोक्ष तौर पर वो उत्तर कोरिया के साथ खड़ा रहा। ऐसे में अमेरिका ने चीन से अपील की है कि वो उत्तर कोरिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का समर्थन करे। All responsible nations must join together to stop arming and financing and even trading with the murderous North Korean regime. Together we have in our power to finally liberate this region and the world from this very serious nuclear menace. But it will require collective action, collective strength, and collective devotion to winning the peace. America is कोशिश में जुटा है कि कोरिया के दो सबसे बड़े सहयोगियों को उससे अलग थलग किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि चीन के अलावा रूस भी पश्चिमी देशों का साथ देगा। अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच कोई मतभेद नहीं है और दोनों मुल्क चाहते हैं कि कोरियन प्रायद्वीप में शांतिपूर्ण माहौल बने। शी जिनपिंग ने भरोसा दिया कि कोरियन प्रायद्वीप में शांति बहाली के लिए चीन संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के समर्थन में है। 我们重申坚定致力于实现半岛无核化，维护国际核不扩散体系。
双方将继续全面严格执行联合国安理会各项决议，同时致力于通过对话谈判解决半岛核问题。दोनों राष्ट्रपतियों के बीच एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को लेकर लंबी बातचीत हुई। चीन ने अमेरिका से कहा कि इस क्षेत्र में आपसी सहयोग से ही शांति बहाली मुमकिन है। 太平洋足够之大，容得下中美两国。双方应该在亚太事务中加强沟通和合作，培育共同的朋友圈，形成建设性的互动的局面。共同维护和促进地区的和平和繁荣。डोनाल्ड ट्रंप ने चीन दौरे से पहले दक्षिण कोरिया का दौरा किया, जिसमें उत्तर कोरिया के मुद्दे को लेकर साझी रणनीति बनाने पर जोर दिया गया। ट्रंप की कोशिश है कि उत्तर कोरिया के सभी पड़ोसी मुल्कों को उससे काट दिया जाए। इसी कड़ी में ट्रंप ने चीन के सामने भी उत्तर कोरिया का मुद्दा उठाया। अमेरिका जानता है कि चीन उत्तर कोरिया के साथ नरम रुख अपनाता आया है। शी जिनपिंग ने इस मुलाकात के दौरान भले ही अमेरिका को ये भरोसा दिलाया हो कि वो संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के साथ खड़ा है, लेकिन चीन ने ये इशारा भी दिया है कि अगर अमेरिका या कोई भी मुल्क इस संकल्प से बाहर जाकर कोई कदम उठाता है तो चीन उसका विरोध करेगा। चीन शुरू से ये कहता आया है कि कोरियन प्रायद्वीप में बातचीत से ही शांति का रास्ता खुल सकता है, लेकिन बीते एक साल से जिस तरह अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच जुबानी जंग चल रही है, उसमें फिलहाल कोई कमी आती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लेकिन इस सब के बीच जो गौर करने वाली बात ये थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप चीन को कभी सीधे हमले उन पर किया करते थे, वो कुछ नरम पड़ते हुए दिखाई दिए। चीन में राष्ट्रपति ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आए। खासतौर पर व्यापार घाटे पर चीन की आलोचना करने वाले ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार मजबूत करने की बात कही है। दरअसल व्यापार घाटा दोनों देशों के बीच खटास का एक बड़ा कारण रहा है। आइए देखते हैं दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा कितना है और इस मुद्दे पर किस तरह की राजनीति होती आई है। चीन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नए रंग में नजर आए। 250 बिलियन डॉलर के समझौतों पर हस्ताक्षर करके उन्होंने चीन के साथ व्यापार को मजबूत करने का प्रमाण दिया। हालांकि कुछ वक्त पहले ट्रंप ऐसे नहीं थे। राष्ट्रपति पद के प्रचार के दौरान उन्होंने व्यापार घाटे को लेकर चीन की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने चीन पर मनमाना मुद्रा अवमूल्यन, चोरी की बौद्धिक संपदा और मुद्रा में हेर फेर जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। Countries have taken advantage of the United States like never, ever, ever before. They're money manipulators, they're currency manipulators. They cut the value of their currencies at points where, for some reason, we never, ever talk retribution. राष्ट्रपति ट्रंप का साफ कहना था कि अमेरिका को जितना कुल व्यापारिक घाटा होता है, उसमें लगभग आधे के लिए चीन जिम्मेदार है। राष्ट्रपति ट्रंप मानते आए हैं कि चीन बाजार आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है और वहां मनमाने तरीके से व्यापार होता है। दरअसल दोनों देशों के बीच व्यापार चीन के पक्ष में बहुत ज्यादा झुका हुआ है। अमेरिकियों की ओर से चीन पर व्यापार में अनुचित तरीके अपनाने का आरोप लगता रहा है। दोनों देशों के बीच कुछ सालों के व्यापार को देखें तो ये वाकई में अमेरिकी चिंता की तस्दीक करता है। 2016 में अमेरिका ने चीन के साथ कुल 578 बिलियन डॉलर का व्यापार किया। इसमें आयात लगभग 463 अरब डॉलर और निर्यात 116 अरब डॉलर का रहा। इस तरह अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा करीब 347 अरब डॉलर का रहा। इसी तरह साल 2015 में अमेरिका ने चीन के साथ 599 बिलियन डॉलर का व्यापार किया। इसमें आयात 483 बिलियन डॉलर जबकि निर्यात महज 116 बिलियन डॉलर रहा। इस तरह 2015 में व्यापार घाटा 367 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रहा। 2014 में भी कुछ ऐसा ही आलम था। इस साल दोनों देशों के बीच 592 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें आयात 468 बिलियन डॉलर
और निर्यात महज $124 बिलियन का रहा। इस तरह 2014 में भी अमेरिका ने $344 बिलियन का व्यापार घाटा सहा। एक तो यह है कि चीन का जो आर्थिक नीति है उसमें फॉरेन कंपनी का कंपटीशन चाइना के अंदर रोकने के लिए उन्होंने अपना कानून बनाया, तो अमेरिकन कंपनी जितने भी हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि चीन का मार्केट बंद है, चीन मार्केट खोलना चाहिए। और दूसरी तरफ से देखेंगे कि अमेरिका में ऐसा कोई चीज़ तो हो जो कि चीन में अगर बेचेंगे लोग खरीदने के लिए पसंद करें, तो ये एक दोनों तरफ से देखेंगे तो समस्या तो है ही। दरअसल व्यापार के इस बड़े असंतुलन के पीछे कई कारण हैं। अमेरिकी चीन से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और मशीनरी का आयात करते हैं। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां लो कॉस्ट असेंबलिंग के लिए चीन को बड़ी मात्रा में कच्चा माल भेजती हैं। असेंबलिंग के बाद जब ये माल अमेरिका लौटता है तो उसे निर्यात की श्रेणी में रखा जाता है। दरअसल चीन दुनिया के कई देशों के मुकाबले बेहद कम दामों में उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करता है। अमेरिका की ज्यादातर बड़ी कंपनियां चीन के कम दामों का मुकाबला नहीं कर सकती, लिहाजा व्यापार में चीन का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। क्योंकि एक जमाने में अमेरिका नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग देश रहा और पूरे दुनिया को सामान बेचता था। अभी अमेरिका का जो मेन इकोनॉमिक कंपोनेंट है वो है सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है। चाइना पूरे विश्व के नंबर वन मैन्युफैक्चरर है, तो इसीलिए जिस तरह से एक ट्रेड सरप्लस चाइना को मिला है वो तो एक नॉर्मल सिचुएशन है। अमेरिकन कंपनी जो कि सर्विस कंपनी है वो चाहते हैं कि चाइना अपना दुकान खोले और नहीं हो पा रहा है, इसीलिए भी बातचीत चल रही है। ट्रंप ने कार्यभार संभालते ही अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ घरेलू व्यापार और नौकरियां बढ़ाने का संकल्प लिया था और इसके पीछे चीन एक बड़ा कारण था। हालांकि अपने तमाम पुराने नजरियों की तरह ही ट्रंप ने चीन पर भी अपना रुख बदलना शुरू किया। जुलाई में ट्रंप प्रशासन के तहत हुई चीन और अमेरिका के बीच पहली आर्थिक वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा कम करने पर सहयोग पर सहमति बनी। हालांकि इस वार्ता में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई। ट्रंप ने चाइना में लैंड करने से पहले ये कह रहे थे कि चाइना जिस तरह से ट्रेड सरप्लस एंजॉय कर रहा है वो तो एक एम्बैरेसमेंट है, और चाइना को ये कह रहे थे कि चाइना अमेरिका का आर्थिक स्थिति को रेप कर रहा है। मगर चाइना में पहुंच गए और बोलते हैं नहीं, ये तो सही है कि उनका ट्रेड सरप्लस है, मगर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? डोनाल्ड ट्रंप ने जिम्मेदार अपने प्रेडिसेसर को बता रहे हैं। तो इससे चाइनीज लोग तो खुश हो गए मगर अमेरिकन लोग ना खुश रहे। तो इसलिए मैं मोटे बात में अगर बात करूं तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए सफल हो या ना हो, अमेरिका के लिए इतना सफल नहीं हुआ है। चीन को लेकर ट्रंप ने कई बार अपना रुख बदला है। हाल ही में चीन दौरे से पहले ट्रंप ने अपना पुराना रुख दोहराते हुए द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिका के प्रतिकूल भारी व्यापार घाटे को शर्मनाक बताया था। उन्होंने चीन पर दबाव बनाते हुए कहा था कि चीन को अपना बाजार अमेरिकी उत्पादों और कंपनियों के लिए खोलना चाहिए। हालांकि चीन पहुंचते ही ट्रंप नरम पड़ गए और $250 बिलियन के कुल 37 करार कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक ताकतें हैं। दोनों के अच्छे बुरे संबंध वैश्विक राजनीति पर बड़ा असर डालते हैं। भारत के लिए भी दोनों के रिश्तों के विकास पर कड़ी नजर रखने का वक्त है, खासतौर पर ट्रंप के चीन पर बदलते हुए सुरों पर, क्योंकि अमेरिका चीन पर भारत को तरजीह देने के सैकड़ों दावे कर चुका है। हाल ही में अमेरिका की ट्रंप सरकार ने रणनीतिक शब्दावली में एशिया प्रशांत की जगह इंडो पैसिफिक शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया। अमेरिका ने इसे भारत के बढ़ते वर्चस्व का पर्याय माना। भारत में इसे लेकर खास उत्साह होना लाजमी था, खासकर डोकलाम और दूसरे मसलों पर चीन से हुई खटास के बाद। अमेरिका ने इस कदम को चीन को घेरने की कोशिश कहने से इनकार भले ही किया हो, लेकिन बदलते वैश्विक हालात में इसके मायने चीन से जुड़ने लाजमी थे। लेकिन ट्रंप का चीन जाकर सुर बदलना भारत को भी चौकन्ना करता है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका का दुनिया के हर देश के साथ संबंध
उसके व्यक्तिगत हितों की बुनियाद पर ही टिका होता है, लिहाजा भारत को चीन और अमेरिका के साथ संतुलित रिश्ते बनाने होंगे। हमारी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है चीन के साथ अच्छे रिलेशन रखने की। हम जिस तरीके से अमेरिका के साथ मिल गए हैं और उनके जहाज़ों के साथ हम अपनी वॉरशिप्स भेज रहे हैं साउथ चाइना सी में, इससे कुछ हमारा फ़ायदा नहीं होता है, किसी का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कुछ नहीं कर रहे हैं आप, एक कौड़ी इससे नहीं मिल रहा है। आप अपना पेट्रोल खर्चा कर रहे हैं, एक्सरसाइज वो आप ही का जा रहा है, और चीन से आपके अगर रिश्ते ख़राब हो गए तो आपको हिमालय में इनके जो प्रेशर पॉइंट हम पे हैं वो इतने सख्त हैं, वहाँ कुछ नहीं कर सकते उनको। ट्रंप ने कई मोर्चों पर क्षेत्र में भारतीय हितों की पैरवी की है। अमेरिका ने भारत को इलाके का महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार करार दिया है। अमेरिका कई बार ये कह चुका है कि वो भारत के महत्व को समझता है और अहमियत देता है। भारत की मजबूत स्थिति और अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्तों को देखते हुए अमेरिका ये कह चुका है कि बिना भारत की मदद से वो अफगानिस्तान में शांति बहाली की कोशिश नहीं कर सकता। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते रिश्तों पर भी अमेरिका ने कई बार भारत के पक्ष में बयान दिए। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर भारत के विरोध का समर्थन करते हुए कहा था कि ये गलियारा विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है और किसी भी देश को वहां दबदबा कायम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उत्तर कोरिया और दक्षिण चीन सागर पर भी अमेरिका चीन को कई मर्तबा कोस चुका है, लेकिन ट्रंप के बदले सुरों ने जानकारों को भारतीय नजरिए पर एक बार फिर सोचने की वकालत करने का मौका दिया है। अमेरिका और भारत के बीच जो एक डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप है उसको लेके चीन थोड़ा अप्रिहेंसिव है। चीन सोचता है कि भारत अमेरिका मिलके चीन को कंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मिसपरसेप्शन है, ये मिसपरसेप्शन को कैसे दूर किया जाए वो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण एक डिप्लोमेटिक एफर्ट करना होगा। और भारत ध्यान से देख रहा है कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो अभी समझौता होने जा रहा है उसमें एक तो ये हो सकता है कि दोनों देश मिलके पूरे विश्व को एक कंडोमिनियम बना दें और शासन करना शुरू कर दें, वो भारत के हित में नहीं होगा। दूसरी तरफ जानकार ये भी मानते हैं कि अमेरिका और चीन के रिश्ते सुधरने से भारत को भी फायदा होगा, लेकिन भारत को बेहद संतुलित रहकर कदम बढ़ाने होंगे। चीन और अमेरिका के बीच अगर शीत युद्ध स्टार्ट हो जाए फिर भी भारत के लिए एक समस्या है, क्योंकि चीन हमारा एक इकोनॉमिक पार्टनर है, अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हम ये नहीं चाहते हैं कि उनके लड़ाई में हमें कोई एक पोजीशन लेना पड़े, तो इसीलिए भारत को एक स्मार्ट नॉन अलाइनमेंट नीति के बारे में सोचना जरूरी है। बहरहाल चीन में बदले बदले नजर आए ट्रंप को लेकर भारत में जो चिंताएं उभरी उसे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कम करने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने वियतनाम में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने लोगों को एक साथ लाने की दिशा में काम किया है और उनके नेतृत्व में भारत ने शानदार प्रगति की है। दरअसल मौका देखकर नजरिया बदलना ट्रंप की राजनीति का हिस्सा रहा है। भारत की 2.4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाली अर्थव्यवस्था के मुकाबले चीन की अर्थव्यवस्था 11.8 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी की है। चीन अमेरिका का सबसे बड़ा ऋण प्रदाता है और उसके पास अमेरिकी खजाने के 1.2 ट्रिलियन बॉन्ड हैं। लिहाजा चीन से अलग होने की स्थिति में ट्रंप का बहुत कुछ दांव पर लगा है। यही कारण है कि चीन के फायदे की स्थिति में होने के चलते चुनाव प्रचार के दिनों के मुकाबले अब चीन के खिलाफ खासकर डॉलर के मामले में ट्रंप के सुर बदले हुए हैं। लिहाजा भारत को फिलहाल ये उम्मीद करनी चाहिए कि ट्रंप के ये बदलते सुर भारत के हित सुरक्षित रखें और व्यापार, निवेश और सामरिक संबंधों को और आगे ले जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं चीन और अमेरिका के ऐतिहासिक रिश्तों के साथ। से तुंग की अगुवाई में जब चीन में क्रांति हुई और कम्युनिस्ट पार्टी के डर से चीन चांग कोई शेक की सरकार भागकर ताइवान पहुंच गई, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए दो चीन बन गए। अमेरिका ने चांग काई शेक के कब्जे वाले चीन को मान्यता दी। नतीजा ये हुआ कि मौजूदा चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहद तल्ख हो गए। 1950 में दोनों देश एक बार फिर आमने सामने आए। कोरियन युद्ध में अमेरिका दक्षिण कोरिया के पक्ष से लड़ रहा था जबकि चीन उत्तर कोरिया की तरफ से। लाखों लोगों की मौत के बाद युद्ध तो खत्म हो गया
लेकिन चीन और अमेरिका की तकरार कायम रही। तल्खी लगातार बढ़ती गई। 1954 में ताइवान के पक्ष में अमेरिका उतर गया और मामला इतना बढ़ गया कि अमेरिका ने चीन को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। फिर समझौता हुआ। 1959 में चीन ने तिब्बत पर दावा ठोका तो अमेरिका चीन फिर से आमने सामने आ गए। 1964 में चीन ने पहला परमाणु परीक्षण किया तो दोनों देशों में फिर से ठन गई। इससे पहले वियतनाम युद्ध को लेकर दोनों पहले से ही लड़ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि दशकों बाद तक चीन और अमेरिका के बीच सामान्य रिश्ता बहाल नहीं हो पाया। जब कम्युनिस्ट पीछे हटने लगे और फ्री मार्केट इकोनॉमी निकलने लगा तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा मैंने उल्लास पैदा हो गया कि ये भी अब डेमोक्रेसी बनने वाली है। तब उन्होंने देखा कि डेमोक्रेसी नहीं बन रही है, चीन अपनी ही तरफ से अपने ही पॉलिटिक्स के साथ जाएगी। तब फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई इनकी ताकत तो बहुत बढ़ी जा रही है। 1972 में रिचर्ड निक्सन जब चीन दौरे पर गए तो कड़वाहट थोड़ी कम हुई। 1969 में अमेरिका ने मौजूदा चीन के साथ औपचारिक संबंधों की शुरुआत की। अमेरिका ने ताइवान के साथ रिश्ता खत्म किया तो दोनों देशों के बीच नरमी का दौर आया। तब से लेकर अब तक अमेरिका और चीन का आर्थिक दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ता गया। 2000 के दशक में चीन और अमेरिका के संबंध बेहतर हुए। चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना तो अमेरिका और चीन कई आर्थिक मुद्दों पर साथ आए। इसलिए दोनों देश में शीत युद्ध तो नहीं होगा, मगर मैं एक नया टर्म जो बोल रहा हूँ, कोल्ड कन्फ्रंटेशन हो रहा है और होगा भी। कंपटीशन, स्टिफ कंपटीशन, राइवलरी आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। इस वक्त जीडीपी के हिसाब से अमेरिका पूरी दुनिया में पहले और चीन दूसरे नंबर पर है, लेकिन जिस तेजी से चीन का आर्थिक दबदबा बढ़ रहा है उससे अमेरिका भी चीन के साथ आना चाहता है। हालांकि इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों की नीतियों में काफी अंतर है और यही वजह है कि बात चाहे उत्तर कोरिया की हो या दक्षिण चीन सागर की, दोनों के बीच कड़वाहट कायम है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।